हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय। दोस्तों अब शुरू करते हैं हम सीरीज़ का अपना चौथा पार्ट, जहां पे हम आईफोन 6 की डिस्प्ले को रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईफोन 6 की डिस्प्ले को कैसे रिप्लेस की जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, सिंपल है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस दोस्तों मैं कुछ आपको स्टेप बताऊंगा जहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और किस किस चीज़ों को ज़्यादा आराम से निकालना पड़ता है, बस वही चीज़ मेन होती है, बाकी स्क्रीन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है इसकी दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इस फ़ोन की स्क्रीन को रिप्लेस कर सकते हो। आईफोन दोस्तों 6 हो या 6s हो या 6s प्लस 6 प्लस, चारों का सेम स्टेप है दोस्तों, सेम ही करना पड़ता है। अगर आप 6 से कर लोगे 6 की, तो आप और जो इसके मॉडल हैं 6s प्लस और एक 6 प्लस, ठीक है, ये चार मॉडल कर सकते हो रिपेयर की डिस्प्ले। ओके तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको फ़ोन खोलना सिखाया ही है कि कैसे आईफोन 6 को खोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से खोलना है। तो मैं दोस्तों इसमें आराम को आपसे आप पर आराम से स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगा कैसे आपको इस फ़ोन की डिस्प्ले को लगानी होती है निकाल के। देखो दोस्तों, अगर आप इसकी डिस्प्ले लगाना सीख जाओगे तो आप जो ऊपर के 3-4 मॉडल हैं आईफोन 6 सीरीज़ के, वो भी आप आराम से लगा लोगे। ओके तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का दिखेगा बैकग्राउंड जहाँ पे आपको आईफोन की डिस्प्ले निकालनी है। तो दोस्तों अब आपको क्या ध्यान देने की बात यह है कि आपको सबसे पहले बैटरी को रिमूव करना है। दोस्तों कभी भी आप आईफोन को रिपेयर करोगे, सबसे पहले बैटरी को ज़रूर रिमूव करना। हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो बैटरी को निकालना होता है, उसके बाद हम डिस्प्ले को निकालेंगे। ओके दोस्तों, इस डिस्प्ले इसी तरह से आपको निकालनी है कि एक कोने से। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हमने डिस्प्ले को निकाल लिया है। तो अब दोस्तों हमारा क्या है कि अब ज़रूरी नहीं कि हमको बैटरी निकालनी हो या कोई पार्ट निकालना हो, कुछ भी दोस्तों अब हमें नहीं निकालना, बस हम इसको साइड में रख देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो काम हमारा है दोस्तों डिस्प्ले को रिप्लेस करना। तो अब क्या करना दोस्तों, आपको इसमें डिस्प्ले को जितने भी ये पार्ट लगे हुए हैं, जो इसकी बैक सीट है, होम बटन है, फ्रंट कैमरा है, टच आईडी की वायर है, ये सब आपको निकालनी है, ये इस बैक सीट में निकालनी है। ठीक है दोस्तों, सब इसमें लगेगा, आपकी जो नई डिस्प्ले होगी उसी में सारा सामान वापस निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर हर जगह स्क्रू होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने इसके स्क्रू निकाल रखे हैं क्योंकि, ठीक है, तो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ कि आपको पहले यहाँ के स्क्रू खोल ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ के स्क्रू खोल लिए। ठीक है, तो स्क्रू के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ पर देखिए जितने स्क्रू होते हैं सब मैंने निकाल रखे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहला स्टेप यही होगा। तो दूसरे में दोस्तों खोलने के लिए आपको होम बटन का होता है, तो होम बटन की जो ऊपर की सीट होती है उसको खोल लेंगे। ओके दोस्तों, इसमें स्क्रू बड़े ही ध्यान से आराम से खोलने हैं, कोई ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं लगाना और ना टाइट करने हैं, आराम से टाइट करोगे तो आराम से खुल जाएंगे। ओके तो देखिए, इस तरह से आपको सीट निकाल देनी है। अब आपके सामने होम बटन आ गया। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखना दोस्तों, आप जब इसका कनेक्टर निकालोगे तो इस साइड से आपको नाखून से निकालना है या किसी प्लास्टिक के ओपनर से। ओके तो इस तरह से दोस्तों आपको निकालना है। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम खोल रहे हो तो ये जो चीज़ है, ये जो आपको दिख रही है, ये चिपकी हुई होती है। ठीक है, तो इसको आपको आराम से निकालना है बिल्कुल, चाहे आप हल्का सा यहाँ नीचे से गर्म, यहाँ से जो होता है हल्का सा हीट करके भी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये चिपका हुआ होता है। अगर दोस्तों फर्स्ट टाइम खोल लियो तो होता है, अगर सेकंड थर्ड कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पहली बार में आपको ग्लू मिलती है, तो ग्लू आपको निकालनी पड़ती है। ओके तो इस तरह से आपको ये होम बटन का ये वायर जो निकालना पड़ता है, कभी ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना कभी भी इसको खींचना नहीं है। और देखिए यहाँ से आपको जो होम बटन है, वो होम बटन को आराम से आपको यहीं से निकालना है। और ये जो दोस्तों वायर है, कभी भी वायर इस तरह से ऊपर बिना गर्म किए मत खींचना, वरना ख़राब हो जाएगी। और दोस्तों होम बटन निकालोगे, ठीक है, तो होम बटन इस तरह से आपको नीचे से निकालना है, कभी खींचना मत दोस्तों, देखें। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको नीचे से आपको होम बटन उंगल से निकालना है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा स्टेप है वो आता है, देखिए यहाँ पे देखिए कनेक्टर दिख रही है, होम बटन के वायर जो यहाँ लगी हुई है। ओके ये वायर है, और यहाँ पे अब हमें इसका तीसरा स्टेप क्या है, हमें यहाँ नट खोल लें। तो देखिए यहाँ से नट, तो यहाँ पे नट खोल लेते हैं। तो दोस्तों जितने भी नट होंगे सब आराम से संभाल कर निकालना। ओके दोस्तों अगर आप नए हो तो अब आपको थोड़ा दिक्कत ये होगा कि आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ कहाँ लगी हुई थी, तो उस हिसाब से आपको सारे काम करने हैं। और देखिए जो आप ये बैक सीट निकालोगे ऊपर की, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये तीन जो होल होते हैं नट के, वो यहाँ लगे, तो उसके बराबर के हिसाब से बिठाना आपको। देखिए ये होल यहाँ पे आ गया, और उस पर का डबल यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो तीन होल है दोस्तों, ऊपर भी तीन ही हैं, तो इस हिसाब से मैच करके आपको बिठाना है जब लगाओगे। ओके इसको अलग कर देते हैं, इनके स्क्रू दोस्तों अलग कर दो, उनके स्क्रू अलग कर दो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हमारे कैमरे पे। तो दोस्तों कैमरे के लिए आपको कैमरे को यहाँ से हटाना पड़ेगा आराम से, उसके बाद ऐसा निकाल देना है। फिर हमें जो हमारा स्पीकर होता है, कॉलिंग स्पीकर, वो निकालना है।
ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉलिंग का स्पीकर भी निकाल लिया, देख सकते हो ये हमारा स्पीकर है छोटा सा, जब कॉलिंग पे बात करते हैं ये वो है। यहाँ पे चार जो गोल्डन कलर के पॉइंट है ये टच होते हैं पत्ते में ताकि आवाज़ आती है इससे। ओके तो ये हो गया हमारा। अब चलते चलते हैं हमारे फ्रंट कैमरे पे। तो दोस्तों सबसे ध्यान देने की बात अब ये वाली आ गई, इंपॉर्टेंट आ गई है, जो हमारा फ्रंट कैमरा होता है ये चिपका हुआ होता है तो हमें किसी ब्लेड का यूज़ करना है। तो दोस्तों मैं ब्लेड क्यों यूज़ कर रहा हूँ और इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये सेंसर लगा होता है हमारा कॉलिंग सेंसर ये चिपका हुआ होता है, अगर आप खींचोगे तो सेंसर टूट के उसी में चिपक जाएगा, ठीक है, और सेंसर हमारा वर्क नहीं करेगा। अगर आपको सेंसर निकालना है तो आराम से ब्लेड से इस तरह यहाँ पे कोने में डाल के आपको निकालना है, ठीक है। अभी दोस्तों ये निकला हुआ है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह आप पहली बार डिस्प्ले खोलोगे तो हर चीज़ दोस्तों चिपकी हुई होती है, तो उसको आराम से इस तरह से ब्लेड डाल के ही निकालना है। अगर खींचोगे तो वो सेंसर टूट जाएगा और उसी में चिपका रह जाएगा, ठीक है। और ब्लेड से आपको इस तरह से आपको यूँ निकालना है, ब्लेड से चिपकी जो चिपका हुआ होता है वो आराम से निकल जाएगा, सेंसर इसमें नहीं टूटेगा। ओके तो इस तरह से आपको निकालना है। उसके बाद दोस्तों ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ नीचे माइक होता है वो माइक भी चिपका हुआ होता है ग्लू के साथ, ठीक है, तो वो माइक भी निकालना पड़ता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको ग्लू जो है आराम आराम से निकालना पड़ेगा, बिल्कुल धीरे से निकालना है दोस्तों। अगर फर्स्ट टाइम खोलते हो तो इसके बाद तो दोस्तों सब कुछ नॉर्मल काम होता है, लेकिन पहली बार डिस्प्ले आप लगाओगे उसमें दिक्कत होती है, सब कुछ चिपका हुआ रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा है फ्रंट कैमरे का पत्ता, जिसमें फ्रंट कैमरा है, स्पीकर का ऑप्शन है, माइक है, ओके, सब जाली लगी हुई है दोस्तों स्पीकर की, तो जाली को भी निकालेंगे। ओके तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर सेंसर, जब मैं आपको जिसकी बात कर रहा था सेंसर ये वाला है प्लास्टिक का, ये भी चिपका हुआ होता है, अगर आप खींचोगे तो सेंसर टूट जाएगा, तो आपकी कॉल करते वक्त स्क्रीन जब बंद होती है वो नहीं बंद होगी, क्योंकि दोस्तों ये ध्यान रखना ये टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरा एक पत्ता जो होता है 500-600 रुपये का आपको नुकसान लग जाएगा। अब दोस्तों ये चीज़ जो है यहाँ पे माइक जो है कि चिपका हुआ है तो उसको आपको आराम से निकालना है, क्योंकि दोस्तों दूसरी डिस्प्ले में लगा हुआ मिलता है, इसलिए आपको यहाँ से इसको निकाल लेना है यूं करके आराम से, ठीक है, इस तरह निकालना है, क्योंकि दोस्तों दूसरी डिस्प्ले जो आप लोगे उसमें लगा लगाया मिलता है, ये रबड़ जो हमने निकाली है ये वाली, ओके, स्पीकर वाली रबड़ जो होती है काली वाली जो हाथ में, ये तो लगा लगाया मिलता है, इसलिए आपको पुरानी वाली निकाल लेनी इस तरह से, ठीक है। चलिए मैं दोस्तों इसमें दबाव लगा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए, बाकी अब देखिए चलते हैं उसको लगा देते हैं। अब दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारा दोस्तों अब क्या है, हमारा काम पूरा हो गया, जो हमने होम बटन निकाल लिया और कैमरा निकाल लिया, उसके बाद दोस्तों हमें सीट निकालनी है। और दोस्तों सीट पे निकालते वक्त ध्यान रखना है, प्लेट को निकालते वक्त जहाँ आपकी ये होम बटन की जो वायर जो चिपक ये जो है होम बटन का जो चिपका हुआ ये चिपका होता है दोस्तों, ये खींचना मत वरना ये भी टूट सकता है। ओके तो ये प्लेट निकालोगे तो ऐसे ऐसे करके टेढ़ा मेढ़ा करके निकालना, ठीक है, ऐसे खींच के नीचे करना है आपको ऐसे करके, ओके, ठीक है दोस्तों। ये चिपका हुआ दोस्तों है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये चिपका हुआ है तो इसलिए आराम से ही आपको टेढ़ा मेढ़ा करके खींचना है इसको, जिससे कि लूज हो जाएगा ये देखिए यहाँ निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालनी है प्लेट, तो दिखाता हूँ प्लेट किस काम की है दोस्तों। इस प्लेट में जो है कि होम बटन टच आईडी की वायर होती है वो लगी हुई है, ओके, अगर ये दोस्तों कट जाएगी तो आपकी टच आईडी और होम बटन वर्क नहीं करेगा, तो आपको नया लगाना पड़ेगा किसी फ़ोन से, तो टच आईडी चल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने कंप्लीट ही डिस्प्ले को सब कुछ निकाल लिया, तो दोस्तों कुछ निकालने के बाद कुछ इस तरह से आपकी डिस्प्ले हो जाएगी खाली, ठीक है, ये आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। और दोस्तों अगर नई डिस्प्ले लाओगे वो भी ऐसी ही होगी, ठीक है दोस्तों। चले मान लीजिए मैंने दोस्तों आपको डिस्प्ले कर दी, और दोस्तों हम चले देखिए दोस्तों, मान लीजिए अब ये नई डिस्प्ले है दोस्तों, डिस्प्ले तो वही है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने नई डिस्प्ले ली है, तो नई डिस्प्ले में एप्पल के अगर ओरिजिनल लेते हो वहाँ पर एप्पल का लोगो होंगे, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी नई डिस्प्ले है, तो अब इस डिस्प्ले को हमें फिट करना है, ठीक है दोस्तों। तो वो पुरानी डिस्प्ले अलग कर दी है हमने, नई डिस्प्ले लेके आए हैं, तो मान लीजिए तो नया लगाते हैं, तो नए के लिए दोस्तों दोबारा जैसे हमने फिटिंग उतारी थी वैसे ही फिटिंग दोबारा करनी है, ओके। दोस्तों मेरे पास दो डिस्प्ले नहीं थी इसलिए मैं एक ही डिस्प्ले पर काम कर रहा हूँ, मैंने आपको बस समझाया है कि कैसे सामान निकालना है और कैसे सामान लगाना है, ठीक है, सेम स्टेप। तो अब हम नई डिस्प्ले जो हमारी है ये वाली उस पर हम लगा लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसका पत्ता है आप देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम में दिक्कत होगी, ओके, मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे क्या करना है आपको। तो देखिए दोस्तों पत्ता जो है कभी कभी कोई ऐसा होता है कि कोई नया होता बंदा तो ऊपर से पत्ता लगा जाता है, ये पत्ता जो है ऊपर है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पत्ता हमेशा नीचे होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जैसे पत्ता है दोस्तों, ये मत करना कि ऊपर लगा दिया, ये ऐसे काम नहीं होगा, आपको निकाल के मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो निकाल के इस तरह से आपको इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये ऊपर लग गया, ओके,
देख सकते हो आप दोस्तों, ये ऊपर लग गया है, वो पत्ता ढक गया है, तो क्या होगा दोस्तों, पत्ता ये अब बाहर नहीं आएगा, अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये होम बटन की वायर, तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको जितने भी यहाँ पर स्क्रू थे वो लगा देने हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास भी स्क्रू नहीं है, मैं निकाल रखे हैं, तो मैं फिलहाल अभी बता रहा हूँ आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो स्क्रू लगा दे, मान लीजिए दोस्तों आपने स्क्रू लगा दिए हैं, अब बारी आती है हमारी होम बटन की, तो होम बटन के लिए आती है। लेकिन दोस्तों पहले सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, मैं दिखाता हूँ, देखिए जो हमारा होम बटन का वायर होता है, यहाँ पर देखिए आराम से मैंने यूँ कर दिया, ठीक है। देखिए अब ये प्रॉपर बैठ गया है, ठीक है। ये जो देखिए, देखो दिख रही है प्लास्टिक आपको लाइनिंग, इसके ऊपर बैठाना है आपको होम बटन का वायर, और ये हमारे डॉट है होल जहाँ पर होम बटन बैठेगा, ठीक है। अब इसको हम लगाते हैं, तो इस तरह से आपको बैठाना है, ओके। तो यहाँ से बैठा के, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लगा देना है। उसके बाद इसके जो कनेक्टर चिप होती है उसको दबा देनी है, ठीक है, अपने फिंगर से दबा देनी है। अब ये कंप्लीट दोस्तों हमारा होम बटन कनेक्ट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमें प्लेट होती है वो लगा देनी है, ये वाली प्लेट है, अब उसको लगा देते हैं, ओके। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे जो ये सीट है, आप पहचानी क्या है, यहाँ पे जो ये हमारा कॉम्पोनेंट्स लगे हुए हैं, इनको ढकने के लिए होता है, और ये यहाँ पे ये कोई कॉम्पोनेंट्स नहीं है, तो इसलिए इसको यहाँ लगाते हैं ऐसे, और उसको कॉम्पोनेंट, तो हमारी जो कनेक्टर था वो दब गया और यहाँ पे होल के अंदर बैठ गया है, ठीक है दोस्तों। ये होल है, ये पहचानी होती है कैसे बैठेगा, ठीक है। इस तरह से हमने बैठा दिए, ठीक है दोस्तों, इस तरह से होगा। अगर दोस्तों उल्टा करोगे तो नहीं बैठेगा होल में, ये सीधे में ही आएगा, जिस जगह पर है वहीं आएगा तभी बैठेगा, ओके। तो इस तरह से हमने नट लगा दिया, अब एक नट और लगा देते हैं दोस्तों। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी नट लंबा मत लगाना इसके अंदर, अगर लंबा लगा दोगे तो डिस्प्ले के पीछे निशान आ जाएगा, कभी भी उड़ना ज़बरदस्ती टाइट करना, ओके। तो डिस्प्ले दोस्तों, अगर मान लो आपने लंबा भी नट लगा दिया इसके अंदर, तो इसके नीचे यहाँ पर निशान आ जाते हैं, ठीक है। तो वो निशान बड़े गंदे लगते हैं दोस्तों, वो डिस्प्ले कस्टमर लगवाएगा भी नहीं और आपका नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी लंबा स्क्रू नहीं होना चाहिए, जो स्क्रू निकाले हैं दोस्तों वही ही होने चाहिए। अलग लगाओगे तो दोस्तों डिस्प्ले में निशान आ गया, डिस्प्ले आपकी वापस भी नहीं होगी फिर, और आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये बात भी जरूर ध्यान रखना दोस्तों। बटन लगाने के बाद आपको क्लिक करके देखना है, क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके प्रॉपर क्लिक हो रहा है तो फिर इसको डन कर देना है। तो आप चलते हैं दोस्तों हमारे फ्रंट कैमरे को लगाने के ऊपर, ओके। तो देखिए दोस्तों, फ्रंट कैमरा लगाने के लिए आपको जो रबड़ होती है स्पीकर की, वो आपको लगे लगाई डिस्प्ले में मिलेगी, ओके। तो चलिए मैं इसको लगाता हूँ, करना क्या आपको दोस्तों, जिस एंगल में है इसी एंगल में आपको जैसे थी वैसे ही रहेगा, आपको कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर, ओके। बस आपको इस तरह से आपको बिठाना है, ओके। यहाँ से देख सकते हैं स्पीकर की जाली है, तो जाली के ऊपर ही यहाँ पर माइक बैठेगा और रबड़ लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिठाना है यहाँ से, और इसको हटा देते हैं यूं करके। तो अब देखिए यहाँ से हमें सेंसर को और इसको बिठाना है, ओके दोस्तों। कॉलिंग सेंसर के तरफ बैठा दिया, अब यहाँ पे हमें स्पीकर लगाना है, ठीक है। देखिए ये स्पीकर है, तो स्पीकर के पॉइंट दोस्तों गोल्डन वाले ऊपर होने चाहिए। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों होल दिख रहे हैं काले रंग के, ये देखिए ये वाला होल और ये वाला होल ब्लैक कलर का है, ठीक है। ये दो होल है जो इसके अंदर बैठेंगे, ये पत्ता दिख रहा है आपको, ये पत्ते में होल है और इस यहाँ पे होल, दोनों में होल दिख रहे हैं, उसके अंदर बैठेगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें लगाते हैं स्पीकर को, फिट करते हैं, जो होल है उसके अंदर जाएगा और बाकी ये ऊपर रहेगा ऐसे सर दोस्तों। गोल्डन पॉइंट जो बिंदी है इसके ऊपर होनी चाहिए, अब देखिए यहाँ से बिठाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं प्रॉपर दोस्तों आपको बिठाना है, थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन दोस्तों बैठ जाएगी, ओके। तो इस तरह से आपको बिठाना है हॉल के अंदर। अब इसका यहाँ पर देखिए ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिठा देना है वो, ये देखिए हॉल अंदर बैठ गए हैं पत्ते के, सब लीजिए हमारा स्पीकर प्रॉपर बैठ चुका है। अगर जब तक ये नहीं आएगा तब तक स्पीकर हमारा नहीं बैठता है, ओके समझे। तो उसके बाद दोस्तों ये बैक सीट लगानी है, इसके ऊपर की प्लेट जो है कि देखिए यहाँ पे भी होल बने होंगे दो, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दो होल बने, ये वही होल है जो स्पीकर में था और पत्ते में था और सीट में। तो ये दोस्तों तीनों प्रॉपर बैठेंगे तभी जाके समझ लीजिए हमारा स्पीकर बैठ गया है, वरना स्पीकर में आवाज़ नहीं आएगी अगर प्रॉपर नहीं बैठेगा तो, फिर दोबारा आपको खोलना पड़ेगा, ओके। यहाँ नट लगा दिया दोस्तों, मैंने आपको समझाया है कि नट लंबे मत लगाना, वरना आगे डिस्प्ले में एक डॉट का निशान बन जाएगा और वो बेकार लगेगा, ओके दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने डिस्प्ले की होम बटन को और फ्रंट कैमरे को दोनों को लगा लिया है।
फिक्स कर लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको पत्ते में यहाँ कुछ नहीं करना, जैसा है वैसे ही रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं करना, आपको सिंपल ही लगा देना है। अब हमारी डिस्प्ले दोस्तों रेडी है, ओके, तो अब हम इसको फिट भी करेंगे। दोस्तों मैंने आपको समझाया है कैसे डिस्प्ले को निकालते हैं और दूसरी डिस्प्ले में कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो अब चलिए बोर्ड लगाते हैं। दोस्तों बोर्ड लगाने के लिए आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए बोर्ड में कनेक्टर होते हैं, टच का, डिस्प्ले का, कैमरे का, होम बटन। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टच का कनेक्टर लगाना है, ठीक है, टच का हो गया, उसके बाद डिस्प्ले का हो गया, ओके, उसके बाद हमारा हो गया ये कैमरे का, उसके बाद हमारा होम बटन का, ओके दोस्तों। ये देखिए यहाँ से हमने लगा दिया और अब बैटरी चिप लगा दी, उसके बाद हमारा काम हो गया डन, ओके। उसके बाद हम इसे पैक कर देंगे, यहाँ से ऊपर से बैठा के यहाँ दबाएंगे, ओके। तो अब हमारा फ़ोन की डिस्प्ले होगी रेडी, ठीक है दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना आसान था डिस्प्ले लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन जो जो चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं मैंने बताया कहाँ कहाँ ध्यान रखना है आपको। होम बटन पर ध्यान रखना है, उसकी सीट पर ध्यान रखना है, कैमरे की जो ग्लू होती है वहाँ चिपका होता है उस सब पर ध्यान रखना है, प्लेट की ग्लू होती है, दोस्तों बहुत कुछ जो समझाया है वो सब ध्यान रखनी पड़ती हैं। वो दोस्तों एक बार आप लगा लोगे तो आप आगे भी सब आईफोन किस डिस्प्ले में लगा सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप नए हो तभी आपके लिए फ़ायदा है दोस्तों, आप काफ़ी कुछ सीख जाओगे, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं आप अगले नए नेक्स्ट पार्ट में, जब तक बने रहिए, देखते हैं, जब तक गुड बाय, ठीक है, ओके, थैंक यू।